हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पंकज पंजवानी और आज मैं आपके साथ पीएचपी वीडियो लेक्चर सीरीज़ का एक और वीडियो लेक्चर शेयर कर रहा हूं। पीएचपी ग्राफिक्स सीरीज़ में हमने काफ़ी सारे प्रोग्राम्स बना चुके हैं हम, और ग्राफिक्स का ही एक और प्रोग्राम मैं आज आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं ज़ैम्प स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने ज़ैम्प स्टार्ट कर दिया, देन आफ्टर एच टी डॉक्स फोल्डर के अंदर जाके ग्राफिक्स के जितने भी प्रोग्राम मैंने आपको बताए थे वो मैंने रखे थे इस फोल्डर के अंदर, पीएचपी ग्राफिक्स के अंदर। तो अब तक अपन 9 प्रोग्राम्स कर चुके हैं ग्राफिक्स सीरीज़ के, और ये मैं आज आपको 10th प्रोग्राम बताता हूँ। मैंने इसका नाम दे दिया ग्राफिक्स 10 डॉट पीएचपी। मैंने एक फाइल बना दी ग्राफिक्स 10 डॉट पीएचपी, और आज मैं जो फंक्शन आपको बताने वाला हूँ ग्राफिक्स के अंदर वो है इमेज TTF टेक्स्ट। ठीक है, अब आप कहेंगे ये इमेज TTF टेक्स्ट क्या है? ये एक प्री डिफाइंड फंक्शन है, और इससे आप क्या करते हो, टेक्स्ट को ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करते हो। ठीक है, इससे अपन टेक्स्ट को ग्राफिक्स के फॉर्म में शो कर सकते हैं। लेकिन आप बोलोगे कि ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के वीडियो हमने देखे हैं, उसमें अपन ने एक प्रोग्राम बनाया था जिसमें अपन ने स्ट्रिंग्स को ड्रॉ करना सीखा था, उससे भी हम टेक्स्ट को ग्राफिक्स के फॉर्म में शो कर रहे थे। उस फंक्शन का नाम था इमेज स्ट्रिंग। ठीक है, इसके थ्रू भी आपने स्ट्रिंग्स को, मतलब टेक्स्ट को ग्राफिक्स के फॉर्म में शो किया था। लेकिन इमेज TTF टेक्स्ट से आप क्या करोगे, टेक्स्ट को ट्रू टाइप फॉन्ट का यूज़ करते हुए ग्राफिक्स के फॉर्म में शो करोगे। ट्रू टाइप फॉन्ट मीन्स हम अलग अलग तरीके के फॉन्ट इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसमें तो जो डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है वही हम यूज़ कर पाते हैं, लेकिन इससे आप कोई भी फॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए फॉन्ट आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, इस चीज़ को मैं आपको शो करता हूँ। पहले मुझे कुछ फॉन्ट्स की ज़रूरत भी पड़ेगी, तो फॉन्ट्स ऑलरेडी मेरे सिस्टम में होंगे। ठीक है, मैंने कुछ फॉन्ट्स पहले से डाउनलोड किए हुए हैं, मैं उनको अपने इस फोल्डर के अंदर रख लेता हूँ ताकि मैं उनको यूज़ कर पाऊँ। ठीक है, ये कुछ फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड करके रखे हैं जिनको मैं यहाँ से यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट आप डाउनलोड कर सकते हो। ये मैंने कुछ फॉन्ट्स डाउनलोड किए हुए हैं, इनको मैंने यहीं पे पेस्ट कर दिया जहाँ पे अपनी प्रोग्राम की फाइल थी। तो किसी भी फॉन्ट को मैं एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ, जिप फाइल है मेरे पास फॉन्ट की। तो आप देख रहे हो इसमें से जिप करने के बाद ये फाइल आ गई, ओपन टाइप फॉन्ट फाइल। ये भी आप यूज़ कर सकते हो, या TTF फाइल हो ट्रू टाइप फॉन्ट उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो मैं एक और जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ, तो इससे भी आप देख रहे हो ये TTF फाइल आ गई। तो ये फॉन्ट्स मैंने डाउनलोड किए हुए हैं, आप गूगल पे जस्ट सर्च करोगे ट्रू टाइप फॉन्ट, डाउनलोड ट्रू टाइप फॉन्ट, तो काफ़ी सारी वेबसाइट ओपन होंगी जहाँ से आप ये जिप फाइल्स डाउनलोड कर सकते हो, फॉन्ट्स डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मैंने इसको
एक्सट्रैक्ट किया तो इसके अंदर से ये फाइल TTF फॉन्ट की, OTF फॉन्ट की आई है हमारे पास। इसको हम यूज़ करके देखते हैं, ठीक है। तो इमेज TTF टेक्स्ट का यूज़ करते हुए आप टेक्स्ट को इमेज के फॉर्म में दिखा सकते हो, ठीक है। मैं लिख ही देता हूँ कमेंट में, ठीक है। मल्टी लाइन कमेंट में यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। पहले मैं PHP का टेग ओपन कर लेता हूँ, अदरवाइज कमेंट जो है कमेंट भी आपको फिर आउटपुट में शो हो जाएगा अगर आप इसके बाहर रखोगे तो। मैंने PHP ओपन और क्लोज के अंदर कमेंट को लिख दिया। आज का जो फंक्शन हम सीखने वाले हैं वो है इमेज TTF टेक्स्ट, ठीक है। तो मैं कमेंट में आपको बता देता हूँ, इससे आप क्या करते हो, राइट टेक्स्ट टू दी इमेज, राइट टेक्स्ट टू दी इमेज यूजिंग ट्रू टाइप, यूजिंग ट्रू टाइप फॉन्ट्स, ठीक है। यूजिंग ट्रू टाइप फॉन्ट्स। अब इसका सिंटेक्स क्या होता है, इसमें आप कौन कौन से पैरामीटर यूज़ करते हो। सबसे पहले तो इसमें जो है मैं आपको एग्ज़ाम्पल करके बताता हूँ, वहीं पे मैं आपको समझा दूँगा। तो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले मैं कैनवास बनाता हूँ, डॉलर मैं एक इमेज तैयार कर लेता हूँ इमेज क्रिएट फंक्शन का यूज़ करते हुए, है ना। एक कैनवास आप बोल सकते हो, कैनवास अपन तैयार कर रहे हैं जिस पे अपन ड्राइंग परफॉर्म करेंगे। तो मैंने इमेज क्रिएट कर ली 500 बाय 500 की, विड्थ और हाइट मैंने दे दिया 500 500। तो एक इमेज क्रिएट होगी यहाँ पे, मतलब एक इमेज क्या है, एक रिसोर्स है। उस रिसोर्स को मैं रख दूंगा इमेज रिसोर्स वेरिएबल डॉलर IM वेरिएबल के अंदर। वेरिएबल का नाम आप कुछ भी दे सकते हो। फिर उसके बाद मैंने कलर जनरेट कर लिया, आपको पता है कि पहला कलर बैकग्राउंड में असाइन होता है। इमेज कलर एलोकेट फंक्शन का यूज़ करते हुए अपन ने कलर जनरेट किया। इसके अंदर मैंने इमेज रिसोर्स को पास कर दिया डॉलर IM, फिर कलर का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया, ठीक है। मैंने कलर जनरेट कर लिया यहाँ पे 255,000 का मैंने यूज़ कर लिया। तो इससे हमारे पास रेड कलर आ जाएगा, जैसा कि आप जानते हैं पहला कलर तो बैकग्राउंड में चले जाएगा। फिर मैं एक और कलर जनरेट कर लेता हूँ ताकि मैं उस कलर को यूज़ कर पाऊँ अपने फॉन्ट में। जो फॉन्ट अपन टाइप करेंगे, टेक्स्ट जो अपन टाइप करेंगे उसको, उसमें मैं कलर यूज़ करना चाहता हूँ। तो मैंने कलर जनरेट करके किसी वेरिएबल के अंदर रख लिया। ठीक है, तो सभी को मैंने 255 कर दिया और इसको मैंने, एक सेकंड, मैं ब्लैक कलर जनरेट कर लेता हूँ। ब्लैक के लिए मुझे सभी में 0 देना पड़ेगा, सभी में 0 असाइन कर दिया। रेड ब्लू और ग्रीन में RGB तीनों प्लेसेस पे अपन ने क्या असाइन कर दिया, 0 0 असाइन कर दिया। तो आपके पास ब्लैक कलर जनरेट होगा। ब्लैक कलर जनरेट होके इस वेरिएबल में अपन ने उसको रख लिया और इमेज TTF ट्रू टाइप फॉन्ट, ये जो TTF है उसका मतलब है ट्रू टाइप फॉन्ट।
इमेज ट्रू टाइप फॉन्ट टेक्स्ट, इसके अंदर मैं पैरामीटर पास कर देता हूँ। सबसे पहले अपन इमेज रिसोर्स वेरिएबल इसके अंदर पास करते हैं, मैं यहाँ पे लिख के भी बता देता हूँ आपको। सबसे पहले तो आप इसके अंदर देते हो रिसोर्स डॉलर इमेज, ठीक है, इमेज वेरिएबल का नाम आप दे दोगे, देन आफ्टर साइज बता दोगे फॉन्ट का साइज आपको कितना चाहिए। तो फॉन्ट का साइज मैंने अभी फ़िलहाल के लिए इसमें दे दिया 20 दे दिया, अपन चेंज करके भी देखेंगे। फिर आप बताते हो एंगल, फॉन्ट का एंगल आप बताओगे किस एंगल में आपको चाहिए। नेक्स्ट आप एंगल बताओगे फ्लोट एंगल, देन आफ्टर आप बताओगे एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स से कितने डिस्टेंस पे आना है और वाई से कितने डिस्टेंस पे आपको चाहिए, एक्स वाई कोऑर्डिनेट आप बता दोगे, देन आफ्टर कलर किस कलर में आपको फॉन्ट को प्रिंट करवाना है। फिर जो फाइल आपने डाउनलोड की हुई है ट्रू टाइप फॉन्ट की, उस फाइल का नाम आप बता दोगे, देन आफ्टर आप स्ट्रिंग बताओगे, जो स्ट्रिंग आपको जो टेक्स्ट आपको प्रिंट करवाना है ग्राफिक्स के फॉर्म में, वो टेक्स्ट आप दे दोगे, ठीक है। सबसे पहले इमेज साइज, देन आफ्टर एंगल एक्स वाई कोऑर्डिनेट, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बाद कलर, देन आफ्टर फॉन्ट फाइल, देन आफ्टर टेक्स्ट, ओके। सो मैं यहाँ पे पैरामीटर दे देता हूँ, मैं यहाँ पे पैरामीटर पास कर देता हूँ। मैंने लिखा इमेज, मैंने ये मेरा वेरिएबल इमेज का डॉलर IM, देन आफ्टर साइज मैंने दे दिया, साइज देने के बाद एंगल अभी मैं 0 ले देता हूँ। एंगल के बाद मुझे क्या देना है, एक्स वाई कोऑर्डिनेट बताना है, ठीक है। तो एक्स वाई कोऑर्डिनेट फ़िलहाल के लिए मैंने दे दिया 10 40, देन आफ्टर कलर बता दिया, कलर जनरेट करके मैंने इस वेरिएबल के अंदर रखा है, तो मैंने इसको यहाँ पे यूज़ कर लिया। देन आफ्टर कलर के बाद मैं फॉन्ट फाइल दे दूँगा, तो फॉन्ट फाइल मैंने यहाँ पे जो एक्सट्रैक्ट की थी अभी, उन फॉन्ट फाइल्स को मैं, जैसे अभी मैं फ़िलहाल के लिए इस वाली फॉन्ट फाइल को यूज़ कर लेता हूँ, इसका नाम मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। OTF TTF ट्राई करते हैं, OTF भी मेरे ख्याल से हो जाएगा। तो मैंने इसको डबल कोट्स के अंदर फॉन्ट फाइल का नाम दे दिया, देन आफ्टर स्ट्रिंग बता दी मुझे क्या प्रिंट करवाना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा YCT Academy, देन आफ्टर मैं इस पेज को एज अ इमेज शो करवाना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे हेडर का यूज़ करते हुए कंटेंट टाइप बता दिया। अगर मैंने बताया था आपको कि इमेज ऑन दी फ्लाई अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यूज़ करोगे हेडर का, उसके अंदर फॉर्मेट बता दोगे, कंटेंट का टाइप बता दोगे। मुझे PNG इमेज चाहिए तो मैंने इमेज स्लेश PNG लिख दिया, और मैं फंक्शन यूज़ कर लूँगा इमेज PNG। इस बार मुझे हार्ड डिस्क में नहीं सेव करवाना है इमेज को, ऑन दी फ्लाई दिखाना है, मतलब पेज को ही एज अ इमेज मुझे यूज़ करना है। तो इमेज PNG और इमेज रिसोर्स वेरिएबल का नाम मैंने यहाँ दे दिया। मैं प्रोग्राम को चला के देखता हूँ, तो मैंने लिखा लोकल होस्ट PHP ग्राफिक्स,
देन आफ्टर मेरा ये प्रोग्राम था ग्राफिक्स 10, तो आप देख रहे हो ये रेड कलर में थोड़ा अभी आपको मैं एक काम करता हूँ, कलर थोड़ा सा लाइट कर देता हूँ बैकग्राउंड का। तो मैंने इसको जो है 255, और यहाँ पे भी मैं कुछ वैल्यू डाल के देखता हूँ शायद कौन सा कलर जनरेट होगा इससे। ठीक है, येलो कलर आ गया, और फॉन्ट का साइज़ भी मुझे थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा तभी आपको क्लियर दिखाई देगा। 40 कर देता हूँ मैं। ठीक है, आप देख रहे हैं फॉन्ट कितना स्टाइलिश आपको दिखाई दे रहा है, और इसका मैं कोऑर्डिनेट भी चेंज कर देता हूँ, एक्स वाई कोऑर्डिनेट मैं इसको एक्स एक्स से कर देता हूँ 30, और ऊपर से थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस दे देता हूँ, 100 का डिस्टेंस में दे देता हूँ। ठीक है, तो आप देख रहे हैं ये एक्स से मैंने दिया था, एक्स को एक्स कोऑर्डिनेट में 30 रखा हुआ है, वाई कोऑर्डिनेट ऊपर से आप देख रहे हो 100 का डिस्टेंस आ रहा है। ठीक है, तो कितना स्टाइलिश की आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि अपन ने टू टाइप फॉन्ट्स को यूज़ किया है। मैं इसकी जगह कोई दूसरी फाइल यूज़ करके देखता हूँ, और एंगल पहले मैं चेंज करके देखता हूँ। 0 के बाद सपोज़ मैंने 45 एंगल यूज़ कर लिया। ठीक है, 45 में देख रहे हैं आप, ये रोटेट हो गया 45 डिग्री, या 60 डिग्री करता हूँ मैं इसको, 60 डिग्री रोटेट करना है मुझे, तो मैंने 60 दे दिया, तो और ज़्यादा रोटेट हो गया। ठीक है, वाई से मैं डिस्टेंस और इसको इंक्रीज़ कर देता हूँ, 200 कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं फॉन्ट कोई दूसरा यूज़ करके देखता हूँ, मैं ये वाला यूज़ कर लेता हूँ। अभी मैंने कौन सा यूज़ किया है, मिल्टन 2 डॉट ओ टी एफ ये वाला यूज़ किया, मैं इसको यूज़ करता हूँ, या फिर ये मिल्टन 2 बॉल्ड वाला यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, फॉन्ट्स आप डाउनलोड कर सकते हैं, गूगल पे आप टाइप करेंगे ट्रू टाइप फॉन्ट, तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन, बहुत सारी वेबसाइट्स आपके पास आ जाएंगी जहाँ पे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बॉल्ड हो गया थोड़ा सा, या फिर मैं कोई ज़्यादा डिफरेंट यूज़ कर लेता हूँ, ये वाला यूज़ करता हूँ मैं। कॉपी कर दिया, यहाँ पेस्ट कर दिया मैंने। ठीक है, अब देख रहे हो कितना अजीब यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये मेरे ख्याल से जो है कुछ अजीब सा फॉन्ट आ रहा है, इसको मैं थोड़ा एंगल पहले तो सही कर देता हूँ, एंगल मैंने एंगल भी मुझे सही करना चाहिए। ठीक है, सो इस तरीके से आप डिफरेंट डिफरेंट फॉन्ट यूज़ कर सकते हो। ठीक है, और भी मेरे पास फॉन्ट्स हैं, मैं इनको भी एक्सट्रैक्ट कर सकता हूँ और यूज़ कर सकता हूँ। इसको शायद मैंने अभी एक्सट्रैक्ट नहीं किया, इसको भी मैं एक्सट्रैक्ट करके देखता हूँ। ओके, ये मेरे पास एक TTF फॉन्ट आ रहा है, मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ। रिफ्रेश किया तो आप देख रहे हो ये फॉन्ट चेंज हो गया। सो मैंने आपको इस प्रोग्राम में बताया कि कैसे अपन इमेज TTF टेक्स्ट का यूज़ करते हुए, ट्रू टाइप फॉन्ट का यूज़ करते हुए टेक्स्ट को इमेज के फॉर्म में दिखा सकते हैं। आप अपनी इमेज में टेक्स्ट को, स्ट्रिंग्स को यूज़ कर सकते हो। इससे पहले मैंने स्ट्रिंग्स को जनरेट करने के लिए इमेज स्ट्रिंग फंक्शन बताया था, बट उसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट होता है उसका। ठीक है, और यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट ट्रू टाइप फॉन्ट, कोई भी फॉन्ट आप डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हो। ये सब इसके पैरामीटर्स थे। सो आई होप कि ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ आपको पसंद आ रही होगी, ग्राफिक्स की वीडियो लेक्चर सीरीज़।
अगर आप ग्राफिक्स के कुछ और प्रोग्राम चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं कि किस तरीके के प्रोग्राम्स आप चाहते हैं। मैं बिल्कुल कोशिश करूँगा कि उस तरीके के प्रोग्राम्स भी मैं क्रिएट करूँ। सो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैप्पी कोडिंग। एन्जॉय प्रोग्रामिंग विथ पंकज पंजवानी।